आप कमा रहे हैं लग रहा है इधर पेलर पैसा बत्तख का अंडा 12 रुपए पी। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में तो इंट्रोडक्शन का जरूरत ही नहीं है भाई, थंबनेल पे ही आप समझ गए कि हम आज कहाँ जाने वाले हैं। तो कैसन वा ठीक है वाना बिहारी है भाई, तो बिहारी में तो बात करना बनता है ना अपने महेंद्र जी भैया के लिए। तो बस चलिए शुरुआत करते बिना देर करते हुए और चलते हैं, क्योंकि लेट नहीं करना है, क्योंकि मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो भाई साहब हम लोग घर से निकल गए हैं और घर से निकलने के बाद अभी हम जा रहे हैं नगड़ी, जो है मेरे घर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर। तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ एक दोस्त का होटल है ममता होटल नाम से, तो अभी वहीं हम लोग निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं गोलू चला रहा है गाड़ी और हम लोग जा रहे हैं रास्ता में। हम लोग जो रास्ता है वो रिंग रोड होते पड़ता है और उधर हमारे महेंद्र सिंह धोनी का भी घर है। तो मैं महेंद्र सिंह धोनी का घर भी दिखाने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं। तो भाई साहब हम लोग आ गए हैं अब पेट्रोल पंप। डालिए 110 का डाल दीजिए, तो बहुत इकोनॉमिकल चल रहा है भाई हम लोग आजकल, तो 110 का तेल डलवाते हैं। ऊपर से डालिए 110 का तेल। तो भाई साहब उस व्लॉग उस वीडियो के बाद पेट्रोल भराने के बाद हम आ चुके हैं, जो मैंने बोला आपको महेंद्र सिंह धोनी जी का घर। तो ये रहा हमारे महेंद्र सिंह धोनी भैया जी का घर, ये वारा सिमलिया उनके घर का नाम है। और यहाँ पर गोलू दर्शन भी आए हुए हैं, वेट कर रहे हैं। तो आपको मैं सामने से दिखाता हूँ, यहाँ पर रहता है सिक्योरिटी गार्ड का, यहाँ पर लगता है वो होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वारा नाम से घर का गेट है, काफ़ी बड़ा गेट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा गेट है यहाँ पर। अगर मैं आपको बीच से यहाँ पर अगर दिखाता हूँ तो अंदर देखिएगा, अंदर उनका पर्सनल, अंदर देखिएगा पुलिस वाले भी चल रहे हैं और अंदर उनका पर्सनल रोड बना हुआ है। भाई साहब घर के अंदर पर्सनल रोड, मतलब महेंद्र भैया जी तो बहुत अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, लगता है एकदम मजेदार वाला जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपको मैं उसका घर का थोड़ा सा ये दिखाऊं आपको, तो देखिए वो देखिए देखिए धोनी धोनी भैया वहां पर तार बांध रहे घर का अंदर तार बांध रहे। वो रहा इधर साइड से, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा महेंद्र सिंह धोनी जी का बंगलो। भाई देख रहे हो कितना सुंदर बंगलो है यार, इतना सुंदर। आपका क्या विचार है महेंद्र सिंह भैया जी का ये इसको लेके, घर को लेके? अच्छा घर है, अच्छा घर है। महेंद्र जी तो बहुत पैसा आप कमा रहे हैं लग रहा है इधर। पेलर पैसा, बहुत पैसा नहीं उनका। क्या चीज का धंधा कर रहे हैं भैया? कड़कनाथ मुर्गा बेचते हैं, दूध बेचते हैं, स्ट्रॉबेरी बेचते हैं, फूल गोभी बेचते हैं, धनिया पता ही कभी कभी कड़कनाथ मुर्गा बेच रहे आजकल धोनी भैया जी एकदम बारह सिमलिया में बैठ के। बत्तख का अंडा 12 रुपए पीस बत्तख का अंडा 12 रुपए पीस। भाई धोनी जी वर्ल्ड क्रिकेट विकेट छोड़ के अब यही फार्मिंग वर्मिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बाहर से इस तरीके से दिख रहा है। आपका क्या विचार है गोलू धोनी का घर को देख के? कितना बड़ा घर है, कितना का प्रॉपर्टी होगा? कभी गए नहीं है लेकिन भाई बहुत ही सुंदर घर बना हुआ है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे जब धोनी का घर बन रहा था तो उस टाइम उसकी बीबी को पता है कि नहीं ये पसंद नहीं आया था, टाइल्स पसंद नहीं आया, तो उन्होंने टाइल्स दोबारा उखड़वा के, मतलब 25 लाख रुपए का टाइल्स उखड़वा के दोबारा लगाया गया था, क्योंकि उनकी वाइफ को पसंद नहीं था। आपको पता है ये बात? आपको पता है सुदर्शन ये बात कि उनकी बीबी 25 लाख का टाइल्स उखड़वा के नहीं ना। धोनी भैया जी की वाइफ जो है बहुत शौकीन है, बहुत अच्छे से घर बनाई है भाई। तो ये रहा उनका घर, अंदर जाना तो अलाउड नहीं है जैसे आप जान सकते हैं, तो बाहर से कुछ इस तरीके का घर दिखता है और बहुत सही है, बहुत सही है। इधर से आप साइड से बाउंड्री से आप दौड़ के तड़प के जा सकते हो। तो बस यही था, अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग। अब हम लोग चल रहे हैं दोस्त के होटल, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ चलने के बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं। Thank you.
बोला था कि हम दोस्त का होटल ममता होटल जा रहे हैं, तो ये रहा ममता होटल। तो आगे से भी हम लोग मुड़ेंगे पहले, और वो मतलब तो पूरा, और ये जो लोकेशन है वो आपका नगड़ी है, नगड़ी रास्ता में ही पड़ता है ये वाला, तो काफ़ी अच्छा होटल है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए ममता होटल में, तो भैया ही का है पूरा ये होटल जो है, भैया ही का है, इनका छोटा भाई हम लोग का दोस्त है। भैया का नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम दिवाकर प्रसाद हुआ। दिवाकर प्रसाद हुआ, तो नगड़ी इलाका में ये बेसिकली पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होटल है खाने के मामले में। और होटल के रूम भी देते हैं आप लोग है, और मतलब सब कुछ बहुत अच्छा कुछ है, रेस्टोरेंट प्रॉपर ना। तो रूमों का इसीलिए जो किराया उराया कैसा रहता है यहाँ पे? बेस्ट चिकन बेस्ट है, 1400 के आस पास होता है। अच्छा, और खाना वाना बहुत मस्त है ना? तो आउटस्टैंडिंग ऑसम, वो रिव्यू गूगल में जाकर, आप रिव्यू गूगल में जाकर देख सकते। तो खाना इनका कहना है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन खाना है, तो आप लोग आकर ट्राई कर सकते हैं। जो भी लोग नगड़ी में रहते हैं या फिर रांची के आसपास रहते हैं, तो आप लोग आउटिंग के लिए आएंगे तो यहाँ पर ही बहुत सारे होटल से, तो ममता होटल में आके पक्का ट्राई कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कपल वाला, अच्छा कॉटेज उटेज भी, अगर कोई कपल उपल आते हैं तो कॉटेज उटेज में भी यहाँ पर अच्छा से कुछ बना हुआ है, तो कॉटेज उटेज सब कुछ है और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। दोस्त लोग आते हैं, पार्टी हॉल भी है। अच्छा पार्टी हॉल भी है, पार्टी हॉल है, मतलब एक जगह आइएगा तो आपको सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो भैया सब कुछ आपको दिखाएंगे होटल में क्या क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकन खाने की शौकीन है जरूर आए, चिकन खाने का शौकीन जरूर है। शरीर इसका यहीं से बना है, शरीर तुम्हारा यहीं से बना है। अरे भाई अपना है ना। तो यहाँ से एंट्री है ममता होटल का, यहाँ पर एंट्री है यहाँ पे, और ये भैया का यहाँ कमांडो है, काफी सुंदर गाड़ी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी तरफ है जो कॉटेज एरिया, इसी तरफ है ना भैया? अच्छा, और इस साइड का कॉटेज, अगर आप कॉटेज उटेज में खाना चाहते हैं, और वाइब देख सकते हैं आप कितना सुंदर वाइब है यहाँ पे, प्रॉपर पेड़ वेड़ सारा कुछ लगा हुआ है, गाना होना प्रॉपर बज रहा है, बस कॉपीराइट नहीं आ जाए। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि उस पीछे में वो गेस्ट हाउस है, वहाँ पे आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, भैया ताला बंद करके चले गए हैं, तो इसके पीछे गेस्ट हाउस है, अगर मतलब कोई आके स्टे करना अगर चाहता है तो आराम से स्टे कर सकता है, दूसरा आदमी जा ही नहीं सकता है। आपके पास बुकिंग है तो ही आप यहाँ से एंट्री करेंगे, नहीं तो ताला बंद। अच्छा, तो प्रॉपर प्राइवेसी आपको प्रॉपर यहाँ पे मिलता है अच्छी तरीके से, कपल फ्रेंडली है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं आराम से। आ गया ये। और ये रहा छोटे मालिक यहाँ पे हैं, सुधाकर जी ये सुधाकर जी स्कूटी में चलते, टीवीएस स्कूटी में चलते हैं सुधाकर जी। सुधाकर जी सफारी में चलते हैं अभी स्कूटी में चल रहे सुधाकर जी, तुम्हें दिख रहे हो। और ये इधर से उधर से पीछे जाने वाला रास्ता था, अब यहाँ जो मेन एंट्री गेट है, यहाँ पर हम मेन एंट्री करेंगे, और प्रॉपर यहाँ पर रेस्टोरेंट है, ये काउंटर है यहाँ पे, ये रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर आपको प्रॉपर खाना होना सब कुछ प्रॉपर मिलेगा यहाँ पे आपको, और काफ़ी सही एनवायरनमेंट है, एक लोकेशन के साथ अगर आप देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर नंबर में आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ नंबर अगर आपको बुकिंग वुकिंग करना है तो आप नंबर के थ्रू भी आप बुकिंग कर सकते हैं। तो भाई साहब होटल होटल देख लिए, होटल होटल घूम लिए, अब हम लोग चलते हैं घर, क्योंकि तो सारा कुछ हो गया है यहाँ पे, आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, तो अब निकलते हैं घर। तो भाई साहब उस क्लिप के बाद हम आ चुके हैं घर, अभी बजे है रात के 10 और हम फाइनली एडिटिंग करना शुरू कर दिए हैं। तो एडिटिंग ऑफकोर्स ये बात है जरूरी है भाई, तभी तो आपको जाके वीडियो मिलेगा। तो कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आई है भाई, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। और भाई अपने बिहारी भैया के घर गए थे हम लोग, अपने होटल भी देखा, सब कुछ आपने देखा, तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। और चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और उस बेल आइकन को प्रेस जरूर से जरूर कर दो भाई, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही तो पहुंचेगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज का ब्लॉग इतना ही था, आई होप आपको मजा आया हो। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नए और अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय, एंड मिलते हैं।